19 में मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं सबकी खास खबरों पर। निकाय चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी और कांग्रेस की बाड़ाबंदी पर जोर दिया जा रहा है, अपने अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रदेश के 49 निकायों में पार्षद पद के लिए हुए मतदान के बाद अब हार जीत के आंकलन के आधार पर प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू हो गई है। मतगणना मंगलवार को होगी, लेकिन मतदान के बाद इसकी समीक्षा के आधार पर कांग्रेस बीजेपी निकायों में अपना बोर्ड बनाने के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी में जुटी है, जिसके लिए प्रत्याशियों को इकट्ठा कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषित पानी के चलते केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किस तरह की रिपोर्ट सही माने हो। दिल्ली में पानी की गुणवत्ता पर आई भारतीय मानक ब्यूरो रिपोर्ट पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीते 26 सितंबर 2019 को ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि दिल्ली का पानी यूरोप स्टैंडर्ड का है। उनके जल मंत्रालय ने दिल्ली के 20 जगहों से सैंपल लिए थे। 6 अक्टूबर को दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से भी पूछा गया और उन्होंने भी गजेंद्र शेखावत की रिपोर्ट से सहमति जताई। अब इस पर राजनीति हो रही है, जो अच्छी बात नहीं है। रामविलास पासवान कहते हैं कि दिल्ली के 11 जगहों से पानी का सैंपल लिया गया है। कहां से सैंपल लिए गए हैं वो नहीं बता रहे। WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रति 10,000 की आबादी पर सैंपल उठाने चाहिए। इस हिसाब से दिल्ली से 2,000 सैंपल उठाने चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड ने 1,55,000 सैंपल उठाए, उसमें लगभग 2,200 सैंपल फेल हुए, 1,53,000 पास हुए। आने वाले दिनों में हम हर वार्ड से 5-5 सैंपल उठाएंगे, उनकी चेकिंग कराएंगे और उनका डेटा सामने रखेंगे। MBC 5% आरक्षण से छेड़छाड़ को लेकर गुर्जर समाज ने ज्ञापन सौंपा। श्री वीर गुर्जर विकास समिति के द्वारा MBC 5% आरक्षण के साथ छेड़छाड़ को लेकर सोमवार को उपकरण अधिकारी गोवर्धन लाल मीणा को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। ओम गुर्जर ने कहा कि सरकार ने गुर्जर समाज, बंजारा जाति, गड़िया लुहार सहित अन्य 4 जातियों को 5% आरक्षण दिया था, जिसके लिए गुर्जर समाज ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था, तभी आरक्षण मिला। लेकिन अब सर्वे करवाकर अन्य जातियों को इस आरक्षण में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वह एक साजिश रची जा रही है, जिससे गुर्जर समाज में रोष व्याप्त है, क्योंकि यह कदम समाजों को लड़ाने का है। वह देश में भाईचारा खत्म करने का भी है, जिसे समाज समझ चुका है। मुस्लिम समाज को अगर आरक्षण देना है तो अलग से दें, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर देश के अमन चैन खराब होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी, इसलिए सरकार आरक्षण के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करे। ज्ञापन के दौरान तहसील संयोजक बंशीलाल धमाई, यह संयोजक ओम गोचर, तहसील अध्यक्ष बुद्धाराम गुर्जर, दिग्विजय सिंह गुर्जर, गिरिराज गुर्जर, हेमंत गुर्जर, मुरारी गुर्जर, अरविंद गुर्जर, मुकेश गोचर, कुणाल गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि अगर मेरे जलेबी खाने से दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो मैं जिंदगी भर के लिए जलेबी खाना छोड़ दूंगा। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी सांसद और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य गौतम गंभीर ने कहा कि अगर मेरे जलेबी खाने से प्रदूषण बढ़ता है तो मैं जीवन भर के लिए जलेबी खाना छोड़ दूंगा। सांसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे गौतम गंभीर ने मीडिया से बातचीत में यह बात कही। दरअसल पिछले दिनों प्रदूषण से संबंधित उच्च स्तरीय समिति बैठक में वे शामिल नहीं हुए थे और उसी दिन इंदौर में पोहा जलेबी खाते हुए उन्हें देखा गया था। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर को निशाने पर ले लिया। सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा कैंप आयोजित किया गया। फुलेरा नगर पालिका के सभागार में सोमवार को पत्थरगड़ी का काम करने वाले श्रमिकों में होने वाली सिलिकोसिस बीमारी के रोकथाम के लिए श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा कैंप आयोजित किया गया। कैंप के इंचार्ज JS खंगारोत व डॉक्टर PK सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जो मजदूर पत्थरगड़ी व पत्थर की खानों में काम करते हैं, जिसके कारण पत्थरों को तोड़ने से उनके उड़ने वाली धूल धीरे धीरे मजदूरों के फेफड़े में जम जाती है, जिसके कारण यह सिलिकोसिस बीमारी उत्पन्न होती है। वहीं धीरे धीरे यह TB का रूप ले लेती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा समय समय पर यह कैंप आयोजित किए जाते हैं। वहीं चयनित मरीजों की बोर्ड द्वारा अनुदान भी दिलवाया जाता है। शिविर के दौरान BOCW के प्रबंधक प्रभु सिंह गुर्जर, जगतपाल सिंह, कैशियर रामकिशन शर्मा, लेबर इंस्पेक्टर पवन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सर, ये कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पंजीकृत श्रमिक है श्रमिक कल्याण बोर्ड में, उन लोगों को जो पत्थर का काम करते हैं उन लोगों को सिलिकोसिस बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, तो उन लोगों की आज जाँच हो रही है और उनका डाटा कैप्चर किया जा रहा है। आज जो स्वास्थ्य शिविर जो लगाया है ये श्रम विभाग की तरफ से और जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का मंडल बोर्ड उसकी तरफ से लगाया जा रहा है, जहाँ जो रजिस्टर्ड हमारे श्रमिक हैं उनकी जांच होती है।
और जिस जांच से हम लोग एक्सरे करके पता लगाते हैं किसी को कोई सिलिकोसिस की बीमारी तो नहीं है। सर ये सिलिकोसिस बीमारी है क्या? सिलिकोसिस बीमारी जो लोग पत्थर घड़ाई का काम करते हैं या जो पत्थर के जो धूल जो उड़ती है वो जो फेफड़ों में जाके जमा हो जाती है और उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो इसमें एक एक कि जो आदमी पत्थर घड़ाई का काम करते हैं या उस तरह का धूल का काम करते हैं उससे उनको सांस लेने में तकलीफ चालू हो जाती है और धीरे धीरे करके ये क्योंकि बीमारी का कोई इलाज नहीं है इसलिए जल्दी से पता लगाने में और उसको कंट्रोल। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।